जो इस मूवी में दिखाया गया है, इसलिए उस मूवी पर रोक लग रही है, इसलिए उसमें बहुत कमेंट गलत गलत आ रहे हैं। ये वो सच्चाई है, इस सच्चाई को लोग पचा नहीं पा रहे। जो लोग कहते हैं ना कि भीख में आज़ादी मिली है, उनके घर के बच्चे बॉर्डर पर नहीं खड़े, किसानों से। साथियों नमस्कार, आज हम प्रयागराज के विधानसभा सुराव में हैं। यहाँ पे एक ग्राम सभा पड़ता है बीरापुर। यहाँ पे मिशन का कार्यक्रम लगा था, सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम, जो अंधविश्वास पाखंडवाद से जागरूकता का कार्यक्रम था। तो हम दरअसल बात करने की कोशिश करेंगे, इनका उद्देश्य क्या है, क्या परिचय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संघ मित्रा गौतम है और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की हूँ, लक्ष्य कमांडर हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ उपस्थित हूँ। भाई इंद्रकेश्वर पाल जी के माध्यम से आज यहाँ पर बहुजन समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो कि बहुत सफल रहा इलाहाबाद के बीरापुर गांव में। और यहाँ पर पहली बार हमारी टीम आई हुई है और हम सब लोग बहुजन समाज को जो संवैधानिक अधिकार हमारे साथ जो छीने जा रहे हैं और जो जात के आधार पर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग जो है संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी ये हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, 23 सालों का ये राष्ट्रीय संगठन है, जिसके बैनर तले हम लोग पूरे देश में जाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला कंगना रनावत जो है वो कहती हैं 2014 से आज़ादी मिली है, उसके पहले की जो आज़ादी है वो भीख मिली। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेखा आर्या लक्ष्य कमांडर, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मैं इलाहाबाद में आज उपस्थित हूँ और इंद्रकेश पाल जी हैं और इनकी पत्नी जो है वो शिवकुमारी पाल, इन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा। हम कल के आए हुए हैं। अब रही कंगना की बात, अगर किसी को छाना है इस तरीके से तो वो तो ऐसे छाएंगी ना। अगर सच्चाई पूछी जाए तो हमारे बहुजन समाज को पूरी तरीके से आज़ादी अभी भी नहीं, बहुजन समाज को आज़ादी नहीं मिली है। हाँ। बात की जाए कंगना रनौत की, तो उनको मिली है ना, उनको जो सम्मान किया गया है वो सम्मान की भूखी है, उनको जो अवार्ड भी मिला है पद्मश्री, पद्मश्री उनको मिला है ना। तो ये जो प्रशंसा कर रहे हैं सरकारों की, हमें सरकारों की प्रशंसा थोड़ी ना करना है, हम पूरे बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, अधिकारों की, मान सम्मान की, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो दिया है, इन अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमारे बहुजन समाज का अधिकारों का हनन हो रहा, हमारे बच्चों की शिक्षा बहुत पीछे जा रही है, सारे सेक्टर प्राइवेट किए जा रहे हैं। हमारी महिलाओं को, जो एक विधवा महिला होती थी, जो विधवा पेंशन मिलती थी, जिनको महंगाई भत्ता मिलता था, जिनको रोजगार चाहिए, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, उनको तो कोई वो बात ही नहीं कर रहा। मगर हम तो कहते हैं जो हमें आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुषों की देन है। ये आज़ादी हमें मिली है मगर किसी भीख में नहीं मिली है, ये संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है। और वही संघर्ष जो महापुरुषों से हमें मिला है, हम बहने संघर्ष कर रहे हैं। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, ये जो संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारी महापुरुषों की देन है और किसी की भी नहीं देन है। अभी आप कह रहे थे कि बहुजनों को जो है आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिली है, तो किस तरह की आज़ादी चाहिए आपको। देखिए, हमें हर फील्ड में चाहिए, शिक्षा में और धन संपत्ति में आज़ादी चाहिए। जो ये शोषण हो रहा है इस पे आज़ादी चाहिए। क्या इस पे किसी ने ध्यान दिया है? हमारे जो बहुजन समाज के लोग जो रहते हैं गांव में, रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, रहते हैं जिनके बच्चों को खाना नहीं नसीब होता है, शिक्षा तो बहुत दूर गई है, गंदा पानी पीते हैं, मांग करके जीवन यापन करते हैं, इन सरकारों में तो हमने ये देखा है कि जो हमारे लोग लॉकडाउन जब हुआ था, जब ये कोरोना ऐसी महामारी बीमारी जो जो फैलाई गई थी, हम तो यही कहेंगे सच्चाई भी थी अगर फैलाई भी गई थी, मगर जो हमारे लोग दिल्ली मुंबई में फंसे थे, गरीब लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्या उनको कोई साधन दिया गया? क्या उनको घर वापस भेजा गया? छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे चलते चलते जिनकी जानें चली गई, जो हमारी एक महिला, हम तो 100% समाज की महिला की बात कर रहे हैं, क्या वो बच्चों को सड़क पे कभी जन्म देती हैं? मगर हमारी बहुजन समाज की महिलाओं को मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने बच्चों को सड़क पे जन्म दिया चलते चलते। क्या ये होना चाहिए था? क्या उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए था? क्या उनको अपने जिले में वापस ठीक से साधन से नहीं भेजना चाहिए था? इस बात से हमारा बहुजन समाज जग जाए और हिल जाए, हमारे सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं, फिलहाल में जो एक मूवी आई है, मूवी का नाम है जय भीम। तो आप लोगों ने मूवी देखा होगा, कैसा लगा देखने के बाद? देखिए, मूवी देखने के बाद तो बहुत कष्ट हुआ। जो आदिवासी महिला थी,
वो तो पूरा जो है देखा जाए तो तड़पती रही शुरू से आखिरी तक। यही हमारे समाज के साथ होता था, यही हमारी महिलाओं के साथ होता था। तो आज भी अगर हमारा समाज नहीं जगेगा, भोजन समाज, तो कब जगेगा? हम तो ये कहते हैं कि आप लोग उस मूवी को कोशिश करेंगे, हम भी जाएंगे गांव में ले जाकर के महिलाओं को बैठा करके उस मूवी को दिखाएंगे। अगर आप लोग नहीं जगी, आप लोग नहीं सुधरी, अगर हमारे भाई नहीं सुधरे, हमारा युवा नहीं सुधरा, तो यही स्थिति आने वाली है जो इस मूवी में दिखाया गया है। इसलिए उस मूवी पर रोक लग रही है, इसलिए उसमें बहुत कमेंट गलत गलत आ रहे हैं। ये वो सच्चाई है, इस सच्चाई को लोग पचा नहीं पा रहे। जय भीम मूवी जो है उस पर रोक भी लगाई जा रही है, लेकिन सबसे हाईएस्ट रेट में है जो कमाई कर रही है अभी जय भीम मूवी। तो हम दूसरे महिला से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है मामला दसों महीनों से चल रहा था किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो है जो कृषि कानून बिल थे वापस ले लिए हैं मोदी सरकार ने, क्या कहा? मैं ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय लक्ष्य से। पहली बात तो कृषि जो आंदोलन है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। किसान भाई हैं जो हमारे इतने महीनों से डटे रहे, वहाँ से हिले नहीं, यही हम संदेश देना चाहते हैं लक्ष्य के माध्यम से। इस संगठन में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी सरकार को बिना रुके डटे रहे और लड़के तीन काले कानूनों को वापस ले लिया, वो भी गरीब घरों से आए थे। लेकिन यही निष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आप करिए तो पूरे भाव आपका अच्छा होना चाहिए और डटे रहना चाहिए। समस्या आएंगी जाएंगी, और देखिए तीनों कानून वापस ले कर सरकार को आखिर झुकना। उस आंदोलन में जो है 700 किसानों की हत्या, इसकी भरपाई क्या सरकार करेगी? देखिए कोई भी संघर्ष होता है उसमें शहादत देनी पड़ती है। जो लोग कहते हैं ना कि भीख में आज़ादी मिली है, उनके घर के बच्चे बॉर्डर पर नहीं खड़े, किसानों के बच्चे खड़े, शहादत तो उनके खूनों में है। उनके घर से एक बच्चा जो बैठे थे, जिन्होंने बॉर्डर जिन्होंने वहाँ पर दिए शहादत, उनके बेटे सरहद पर हिफाजत कर रहे थे। 720 गए हैं उनकी भरपाई। अब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इन सरकार से लेंगे, जो मनवादी ताकतें बैठी हैं इनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा इस चीज़ का, कि व्यवस्था परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ थोड़ा सा वर्ग मलाई नहीं खाएगा। ये बड़े बड़े नेता उनके पक्ष में है हर जगह, तो उनके लोग बैठे तो हमारे लोग की तो सुनवाई भी नहीं हो रही। हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ में बलात्कार हैं, कहाँ सुनवाई हो रही, कोई आवाज़ उठा रहा है? हम आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है भाई। जो है कि पुलिस में जाते हैं वहाँ भी भगाए जाते हैं, वहाँ उल्टे हैं उनको फंसाया जाता है जिनके साथ में नहीं अत्याचार हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और ये बाबा साहब ने कहा था जियो और जीने दो, हम किसी का हक हिस्सा नहीं छीन रहे, हम अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज भी जब जुल्म होता है तो FIR भी दर्ज नहीं होती है, अभी सुनने को मिला। जय भीम मूवी जो आपने देखा कैसा लगा आपको? देखिए जय भीम पहले आपको बहुत बड़ा साधुवाद जो कि आप चैनल के थ्रू इंटरव्यू ले रहे हैं। जय भीम मूवी भी जो पहले अंग्रेजों के टाइम था, लोगों को बंधुआ कराया जाता था, वो बंधुआ बनाने का ही वो है कि कैसे किसी पर राजनीतिक सामाजिक दबाव बनाकर कैसे उसका शोषण किया जाए, वो मूवी में दिखाया है। आप कहीं भी चले जाइए कोई सुनवाई नहीं, क्यों? कि हम शासन में हैं, हम सत्ता में हैं, हम बड़े जमींदार हैं, हम गरीब की कहीं नहीं सुनेंगे। पुलिस सत्ताधारियों के जो बड़े बड़े लोगों के हैं उनके चंगुल में है, उनसे पैसा खाती है, तो इसलिए पुलिस भी नहीं सुनती है। और जो प्रशासन है जब लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगा तो सुनने वाला कौन होगा? तो वो कहने का मतलब उसका सार ये निकल के आता है कि जैसे पहले आपको गुलामी से जकड़ा जाता था, आप कहीं उफ नहीं कर सकते थे, वही समय आ रहा है कि आपको जकड़ा जाएगा अगर आप सोते रहे। आप कहते हो हमसे कोई लेना देना, पड़ोसी मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब पड़ोसी मारा? लेकिन जिस दिन आपके जेहन में बैठ जाएगा वो पड़ोसी मेरा भाई है तो हम उसके साथ जुड़ के विरोध करेंगे। अब जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, जब तक लोगों के दिल में डर बैठा रहेगा। वो समय था, हमने देखा भी है अपनी लाइफ में, कि लोग सर उठा के बात नहीं कर पाते थे। आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग बराबरी का हक मांग रहे हैं, हरारवी की बात करते हैं, बराबरी का सम्मान कर चाहते हैं, तो लोगों को खल रहा है। बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाए कि बहुजनों को अधिकार दें, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं।
तो मूवी का मतलब है जग जाइए जग जाइए जग जाइए, आज नहीं जागे तो गुलामी की जंजीरें फिर से आएंगी, जो दशा पहले करते थे आपकी वही दशा फिर करेंगे। मूवी का पूरा सार यही है। तो हम तो कहते हैं बहुजनों से, आप जागिए, अपने अधिकार छीन लीजिए। छीनोगे कैसे? लाठी डंडे से नहीं मिलेंगे, आंदोलन से नहीं मिलेंगे। वो मानोर साहब कहते थे कि आप आंदोलन करेंगे, झंडा उठाएंगे, एक ज्ञापन दिया जाएंगे, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। कैसे मिलेगा? आप शिक्षित बनिए। शिक्षित बनना, हमको बन के हमको खाली नौकरी हासिल नहीं करना, सामाजिक काम की भी करना, विवेक सोसाइटी भी करना है, लोगों को जगाना भी है। कुछ लोग जो है जय भीम मूवी का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इस समय जो है सबसे ज्यादा कमाई जो है जय भीम मूवी ही की। देखिए क्या कारण रहा? कारण रहा कि हमारे लोगों अब जागरूकता आ गई, वो ज्यादा ज्यादा देखते हैं। जब ज्यादा व्यू होंगे तो उसकी कमाई भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात, जब आप चला रहे हैं चैनल, जितने भी वो जाएंगे आपको लाइक करेंगे उतने आपको भी अर्निंग भी होगी। तो ये देखना है कि हमारा समाज इसका मतलब जग रहा है, पहुंच रहा है उस मंजिल की ओर, लड़ाई भी लड़ रहा है। इसीलिए लोग, जब लड़ाई आदमी अपने अधिकार मांगने लगता है तो क्या होता है, उसमें क्राइम फैलाया जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों को काटा जाता है। क्योंकि यार उनमें भय भरा जाए कि तुम सर उठा के बात मत करो, तुम जैसे थे वही रहे, पावदान के नीचे पैर के नीचे। मैं MLA आ रहा लच कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लच, और इसके मैं सलाहकार भी हूँ। पता लगा एक मेडिकल कॉलेज को रंगाई पता के रिनोवेशन कर दिया, दिखा दिया गया बन गया, उसका उद्घाटन कर दिया। क्या सड़क, एक सड़क दिखाई जाए, हजारों बार दिखाई जाए, रात दिन दिखाई जा रहा है कि वो एक्सप्रेस वे बन गया। एक्सप्रेस वे कितने हमारे लोगों को एक्सप्रेस वे बना के अपनी जेब से तो बनाया, हमारे से टैक्स लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, हमारे लोग चलते हैं बाइक से चलते हैं उससे टैक्स लेते हो, हमको GST लेते हो, तो अपनी जेब से तो बनाया नहीं। ठीक है, अच्छा बनाया वो अच्छा भी है, लेकिन सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन खाली ये दिखा दे कि हमने सब कुछ दे दिया, खाली रोड से नहीं मिलता, रोजगार कहाँ है? हम अपनी एजुकेशन की बात नहीं करें, रोजगार की बात ना करें, हम स्वास्थ्य की बात ना करें, हम जो है अपने आत्मसम्मान की बात ना करें, तो अधिकारों की जो संवैधानिक अधिकार जो किसी के बाप ने नहीं दिए, हमारे बाप ने दिए और सबको दिए, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही हैं, हमारे समाज को नहीं मिल पा रही हैं। तो हम तो संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, हम पाखंड की बात नहीं करेंगे, नशा की बात नहीं करेंगे। मंदिर मस्जिद का हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है संवैधानिक अधिकारों के लिए। और मैं आपके माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं भाई बहन, हमारे बुजुर्ग बच्चे, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी मुद्दे में नहीं फंसना, मंदिर मस्जिद के मुद्दे में किसी की बयानबाजी कुछ भी हो रही है ये हमें भटकाने का है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मुद्दे होने चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अच्छा पानी और स्वाभिमान से भरा जीवन, और महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा, ये मुद्दे हमारे होने चाहिए। लेकिन दबके कुचले के जो समाज के लोग हैं वो मंदिर की ही तरफ भागते हैं, क्या तो उनको तो ये अगला जन्म पिछला जन्म का भय दिखा दिखा करके वर्तमान स्थिति उनकी खराब करी। तो हम जब इस समय वर्तमान में हमको वास्तव में क्या चाहिए, हमको तो वो लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमको अच्छे वस्त्र चाहिए, कपड़े चाहिए, जाड़ा लगता है उन्हीं कपड़े हमको चाहिए, मकान चाहिए। हम तो इसकी बात करेंगे, हम क्यों बात करें कि अगले जन्म में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो इनमें कुछ नहीं रखा है, अंधविश्वास से बाहर आइए, वैज्ञानिक सोच अपनाइए, और बाबा साहब के पद चिन्हों पर जो 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म अंगीकार किया था, और उसी समय 22 प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने बनाई थी, तो उन 22 प्रतिज्ञाओं को रोज आप लोग पढ़िए, रोज याद करिए, देखिए अपने आप परिवर्तन आएगा। जिस तरह से सामाजिक जागरूकता अभियान जो है बढ़ता चला जा रहा है, और ऐलान भी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अब बहुजन समाज के लोग जो है बाबा साहब के लिखे द्वारा संविधान को पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।